अलैकुम व्यूज। फूड ब्लेंडिंग में आज हम कैरी का शरबत बना रहे हैं, जो कि बहुत ही मजेदार होता है और गर्मियों के लिए बेहतरीन है। ये गर्मी लगने से बचाता है, लू लगने से बचाता है। कराची में जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और गर्मी की वजह से गर्मी दाने भी हो जाते हैं, तो उसके लिए ये बेहतरीन शरबत होता है। और इसके लिए हमें ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें कैरी चाहिए होती है और शुगर चाहिए होती है, और इससे एक बेहतरीन जो है ड्रिंक तैयार होती है। इसके लिए हमें करना क्या है कि हम इसे बॉईल करके बनाएंगे। बॉईल करने का एक फायदा क्या होता है कि साबित कैरियाँ जब हम बॉईल करते हैं तो इसकी जो अपनी गर्मी होती है कैरियों की, क्योंकि कच्ची कैरी खाने के लिए भी मना करते हैं कि इससे दाने निकल आते हैं, तो इसलिए जो है हम इसे साबित ही बॉईल करेंगे ताकि इस और उस पानी को जो है हम ज़ाया कर देंगे ताकि इसकी जो गर्मी है वो निकल जाए। और उसके बाद जिस तरह से आम घोल करके यूँ करते हैं, इस तरह से हम इसे आहिस्ता आहिस्ता से घोलेंगे, दबाएंगे और उसके बाद इसका रस निकाल लेंगे और उसी से हम इसकी एक अच्छा सा ड्रिंक तैयार करेंगे। तो
मज़ेदार बना है और जिस मिकदार में हमने इसमें शुगर शामिल की है तो उस हिसाब से हमें इसमें शुगर मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आपने ये जो है शरबत इस गिलास में डालना है और फिर वाटर डालना है और बर्फ़ के जो है क्यूब्स डालने हैं, आइस क्यूब, और बस आराम से आप शरबत बनाएं, मज़े लें गर्मियों के, और गर्मी दानों से भी निजात और लू भी नहीं लगेगी इंशाल्लाह। बहुत पसंद आएगा आपको, इसे ज़रूर ट्राई करें। मुझे दीजिए इजाज़त।